अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट में, आपकी मेजबान तमन्ना आरिज। इस वक्त हम मौजूद हैं बड़गाम के चाडोरा खुशरू इलाके में। लगातार आरएनबी की तरफ से जो रोड्स का काम है वो शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम इस गांव की बात करें तो यहां पर इस रोड को काम शुरू हुआ है, लेकिन अगर बात करें इस रोड की तो इस रोड पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पे मैदा बिछा गया है, लेकिन जो बीच का रास्ता है उसमें मैदा नहीं लगाया गया है। अब यहाँ के जो लोग हैं वो दरपेश है कि उनके लोगों को मुख्तलिफ दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के लोगों से बात करते हैं, ये जो मैग्रोमाइजेशन रोड पे हो रहा है, इन्होंने बीच में जो रोड छोड़ रखा है ये एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर दिखा रहा है, कि एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर दिखा, खासकर आरएनबी चाडोरा की। मैं बात करूंगा आरएनबी चाडोरा की, इन्होंने क्या किया, एक सिरा लिया तो उस पर मैग्रोमाइजेशन किया, बीच में छोड़ दिया। अच्छा, बात रही अब बैक टू विलेज की, मैं बात करूँ आज तक इन्होंने 10 मरतबा नहीं 20 मरतबा बैक टू विलेज प्रोग्राम किया है। बैक टू विलेज में हमने हर वक्त ये रोड दिया है, हमने इनको कहा था कि 3 किलोमीटर हमारा वागम से लेकर खुशरू तक है, 3 किलोमीटर ये हमारा क्लियर करके दीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा, हमेशा ये कहते रहे आप अपना प्रपोजल दीजिए हम कर लेंगे, आज तक नहीं हो पाया। और 1 किलोमीटर इनको करना था, 3 किलोमीटर हम नहीं बोल रहे, 1 किलोमीटर इनको करना था, आज तक ये 1 किलोमीटर नहीं कर सके। अभी क्या किया इन्होंने, आधा किलोमीटर किया है, आधा छोड़ रखा है। हल्का वागम और हल्का हुसू को कनेक्ट करता है ये लिंक रोड, तो इसमें ये तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला है। तो इसमें हमारे आरएनबी डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि यहाँ इस सिरे से आधा करके और वहाँ उस सिरे से आधा किया, बीच में जो लगभग 5 या 400 फीट का गैप रहता है इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। ये देखिए कि ये कर क्या रहे, अगर एक रोड 1 किलोमीटर है, जब इन्होंने एस्टिमेट बनाया होगा तो इन्होंने कम से कम 1 किलोमीटर का एस्टिमेट बनाया है। ये नहीं हो सकता है कि एक रोड का एक सिरा पकड़ लो और दूसरा सिरा पकड़ लो, बीच में ऐसे ही रखा जाए। अब खुद देख लो कि यहाँ पे ये रोड है कितना खराब है, बीच में इन्होंने अगले वाला सिरा और पिछले वाला सिरा कंप्लीट किया, उसमें मैग्नमाइजेशन की है। हमारा मुतालबा यही है, अगर आपको रोड करना है 1 किलोमीटर का, ये कम से कम पूरा करो। इसमें आप पहले वाला सिरा और आखिर वाला सिरा, ये तो कहते हैं जाहिर सी बात है, ये जहाँ से कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर मुझे लगता है ये सबका आयवाश हो रहा है। पता नहीं किसको आयवाश करना है, आरएनबी डिपार्टमेंट को, यहाँ का सिरा दिखाएंगे यहाँ तक, वहाँ से वो सिरा दिखाएंगे वहाँ तक, बीच में हम लोगों को चलना है, हम लोगों को यहाँ पे मुसीबत झेलनी पड़ती है। आप खुद ही देखिए, और हमारे यहाँ पे जो पंचायत जो बोध बिल्डिंग से हल्के खुशरू का भी और हल्के वागाम का, वो भी इसी रोड पे आता है, और हमारे 2 स्कूल है यहाँ पे इसी रोड पे आते हैं। इनसे हमारे गांव का हमारे सबका मुतालबा यही है, अगर आपने रोड किया है कम से कम खुदा के वास्ते सारा कुछ क्लियर कर दो। इन्होंने पता नहीं किसको दिखाने के लिए, पता नहीं कौन सा इनको आने वाला है, उनको दिखाने के लिए 2 साइड इन्होंने ले लिए हैं, बीच में सारा लगभग 500 फीट ऐसे ही रख दिए। किस ऑफिसर ने उसका कौन सा दिमाग चल रहा था कि 200 फीट या 400 फीट साइडों में उसने एस्टिमेट किया है, और बीच में सारा सा रोड ऐसे ही छोड़ दिया है। पता नहीं कौन सा काबिल अफसर होगा वो, जिसने 1 किलोमीटर रोड जो है पूरा एस्टिमेट ना बना के खाली 2 सिरों का एस्टिमेट बनाया है। पहली दफा हुई थी यहाँ मेटलिंग हुई थी एक दफा, तब से मतलब पहली दफा हो रहा है मैग्नमाइजेशन। आप खुद ही देख लीजिए कि कितने सालों बाद हो रहा है मैग्नमाइजेशन, और ये भी इनकम्प्लीट है, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी रोड कनेक्टिविटी, मतलब आप खुद देखिए, आप उनको खुद दिखाए, जो यहाँ की LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनको खुद दिखाए। ये पता नहीं क्या क्या बात ये बोल रहे थे मीडिया पे, वो किया ये किया, मगर रास्ते पे आने प्रैक्टिकली कुछ नहीं है, 0 है। आप खुद देख लीजिए जी एडमिनिस्ट्रेशन से, अगर आपको आप कहते हो सबका साथ सबका विकास, कम से कम रोड तो सारा कुछ कंप्लीट करो, वही सबका विकास होता है। ये आपको बधाई ही पता होता कि जब 2 सिरे पकड़ लिए जाए तो बीच में छोड़ा जाए, ये तो आईवॉश है, कहाँ से विकास। अब मैं यही गुजारिश करूंगा आरएनबी चाडोरा से, एक्जन चाडोरा से, खासकर एक्जन चाडोरा से, मेहरबानी करके इस पे खुद ध्यान दीजिए, ये रोड क्लियर करिए,